दिल्ली के चर्चित गीतिका शर्मा सुसाइड केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। गीतिका शर्मा केस में लगभग 11 साल बाद कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया। गीतिका शर्मा केस में जैसे ही यह फैसला आया, जिसके बाद गोपाल कांडा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला, केवल ये केस बनाया गया था और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आइए आपको बताते हैं कि गोपाल कांडा कौन है, कैसा है उसका राजनीतिक सफर। साल 2009 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गोपाल कांडा ने चुनाव लड़ा और जीत भी गए। कांग्रेस तब 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से पीछे थी। गोपाल कांडा तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो लिए और उनको हुड्डा सरकार में मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2 मई 2014 को गोपाल गोयल कांडा ने अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा हरियाणा लोकहित पार्टी। फिलहाल कांडा इस समय सिरसा सीट से विधायक हैं। 2019 में बीजेपी जब बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी, तो गोपाल ने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को भी समर्थन दे दिया। राजनीति में आने से पहले गोपाल कांडा एक व्यापारी हुआ करते थे और उन्होंने जूते चप्पल की छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी। बाद में गोपाल कांडा बड़े कारोबारी बने, होटल और कैसीनो बिजनेस में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। इसके अलावा गोपाल कांडा ने एक एयरलाइन कंपनी की भी शुरुआत की थी। साल 2007 में 14 मार्च से MDLR एयरलाइंस ऑपरेशनल हुई, यानी कि इस कंपनी ने अपनी उड़ानें शुरू की थी। 2007 में बनी इस एयरलाइन का नाम गोपाल ने अपने एडवोकेट पिता मुरलीधर लखराम के नाम पर रखा था। MDLR समूह वाली इस एयरलाइन में सितंबर 2008 तक लगभग 250 कर्मचारी थे और इसी सूची में गीतिका शर्मा का भी नाम शामिल था, जो बतौर एयर होस्टेस कंपनी में कार्यरत थी। हरियाणा के सिरसा से शुरू हुई इस कंपनी को स्थानीय राजनेता गोपाल कांडा ने शुरू किया था और इस एयरलाइन को विमानन के लिए एक प्रमुख विकास अवधि के बीच में शुरू किया गया था। इसने 5 नवंबर 2009 से अपना परिचालन निलंबित कर दिया। MDLR एयरलाइंस के बही खातों में सही गलत के हिसाब इस कदर खराब थे कि कांडा के हवाई सपने ज्यादा नहीं उड़ पाए। सिर्फ 2 साल चलने के बाद ही एयरलाइंस जमीन पर आ गिरी। बहरहाल 11 साल के बाद गीतिका शर्मा केस में गोपाल कांडा बरी हो गए हैं और साथ ही MDLR एयरलाइंस में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया गया है।